कंपनी लॉ को आगे बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर चल रहा था हमारा द कंपनी। आई होप आपको समझ आ रहा है, बहुत आसान है वैसे तो। और आज का जो टॉपिक है वो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दैट इज लिफ्टिंग द वेल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। यहाँ पे कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब है सेपरेट लीगल एंटिटी, और वेल का मतलब होता है घूंघट या आड़ या फ्रंट, और बेसिकली इसको हम बोलेंगे लीगल फसाद। जो वेल है यही एक लीगल फसाद। अब बात आती है कि ये क्या वर्ड है, तो आप में से कईयों को पता होगा फसाड का मतलब होता है फ्रंट, फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग या किसी भी चीज का फ्रंट जो है उसको फसाड बोलते हैं। तो लीगल फसाड इसका मतलब है कि सामने जो है हमेशा कंपनी का नाम नजर आता है। क्यों? क्योंकि कंपनी की अपनी एक आइडेंटिटी है, तो सबको यही लगता है कि जो काम किया है वो कंपनी ने किया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि मेंबर और कंपनी जो है वो सेपरेट होते हैं। कंपनी की एसेट्स कंपनी की हैं, मेंबर की नहीं है। इसका मतलब है कंपनी अलग, मेंबर अलग, राइट? तो नॉर्मल रूल यही है कि कंपनी एंड मेंबर दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी हैं। और जो अब कुछ केसेस होते हैं जिसमें हम ये जो वेल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, ये जो लीगल फसाड है, इसको लिफ्ट कर देते हैं। इसका मतलब है कंपनी के नाम के पीछे छुपकर, आई रिपीट, कंपनी के फ्रंट में किसका नाम नजर आ रहा है? कंपनी का। इसके नाम के पीछे छुपकर ये जो डायरेक्टर्स लोग गलत काम कर रहे होते हैं, अगर अगर गलत काम कर रहे होते हैं, तो हम जो सामने पर्दा है वो कंपनी की पर्सनैलिटी का है उसको हटा देते हैं। वी लिफ्ट दिस वेल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, और फिर जो उसके पीछे छुपे हुए लोग हैं उनको सामने ले आते हैं। और हम बोलते हैं कि भाई डायरेक्टर्स लोग जो भी हैं, ऑफिसर इंचार्ज, तुम लायबल हो, ये जो काम किया है तुमने किया है। तो वो बचने के लिए बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट देते हैं, अरे अरे ये तो कंपनी का काम है, हम कहां, कंपनी कहां, हम तो अलग हैं, वो अलग है, तो आप कंपनी को जिम्मेदार ठहराओ। तो तब हम क्या बोलते हैं, चलो हमने जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का वेल है इसको लिफ्ट कर दिया, ये जो सामने कंपनी की पर्दा दिख रहा है, जो कंपनी की पर्सनैलिटी दिख रही है, इस पर्दे के पीछे छुपकर जो तुम कुछ गलत काम करते रहते हो, तुम चिंता मत करो बेटा, इस कंपनी के इस गलत काम के लिए कंपनी को तो लायबल ठहराएंगे, तुम्हें भी लायबल ठहराएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसमें हमने कंपनी की पर्सनैलिटी को भुला दिया और तुम्हें और कंपनी को एक माना। इसका मतलब है ये वो केसेस है लिफ्टिंग द वेल, जहां पे कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है इसको हम भुला देते हैं, और इसके नाम के पीछे छुपकर जो डायरेक्टर्स लोग काम कर रहे होते हैं उन कामों के लिए जिम्मेदारी ना सिर्फ कंपनी की देते हैं बल्कि उन डायरेक्टर्स को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। और हम यही बोलते हैं कि जो भी लायबिलिटी है वो कंपनी को और डायरेक्टर्स को दोनों को झेलनी पड़ेगी। पूरे कंपनीज एक्ट में जगह जगह पे आप मेरे साथ पढ़ोगे, बहुत जगह पे पढ़ोगे, 2013 में तो बिल्कुल भरा पड़ा है ये सब पेनल्टीज एंड फाइन्स एंड पेनल्टीज, जिसमें देखेंगे कि अगर ये गलत काम हो गया तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इंचार्ज लायबल, कंपनी की ये लायबिलिटी बनती है और जो ऑफिसर इंचार्ज है उसको इम्प्रिजनमेंट मिलती है या उसको भी ये जिम्मेदारी मिलती है या उसको फाइन देना है। तो जब जब ऐसा होता है तब तब कंपनी के काम के लिए उसके पीछे छुपे हुए लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तब तब कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के वेल को लिफ्ट किया जा रहा है। इसका मतलब है तब हम ये मानकर चलते हैं कि कंपनी और उसके मेंबर्स एक ही हैं,
और फिर उनकी भी लाइबिलिटी बनती है। आई होप कॉन्सेप्ट समझ आए। अब ये चीज हमारे को कई प्रैक्टिकल केसेस हुए, रियल लाइफ केसेस हुए, जिनसे प्रूव हुई, राइट? तो इसमें जो केसेस आ रहे हैं अब उस पर चलते हैं। हाँ, अब एक एक वर्ड पढ़ोगे समझ आ जाएगा, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मतलब है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एक तो ऐसे बोल सकते हैं जैसे मैंने बोला लिफ्टिंग द वेल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, एक हम बोल सकते हैं एक्सेप्शंस टू सोलोमन केस, कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्सेप्शंस टू सोलोमन केस। क्योंकि सोलोमन के केस ने भी क्या प्रूव किया कि कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंपनी और मेंबर अलग नहीं है, वो एक है, राइट? तो लिफ्टिंग द वेल बोलो, एक्सेप्शंस टू सोलोमन केस बोलो, एक ही बात है, राइट? या फिर आप इसको एक और तरीके से भी बोल सकते हो, हाँ बस ऐसे ही बोलोगे। बेसिकली तो यही दो नोटेशन आएंगी कि सोलोमन के केस के एक्सेप्शंस बताओ और एक लिफ्टिंग द वेल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, तो इन दोनों का एक ही मतलब निकलेगा, राइट? कि हम उन केसेस की चर्चा करने जा रहे हैं जहां पे कंपनी और मेंबर्स को एक माना जाता है। असली बात सीखो बार बार कि कंपनी को अलग जो सेपरेट एंटिटी है उसको हम भुला देते हैं और उसके पीछे हुए छुपे हुए जो डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको सामने ले आते हैं कि भैया अब हम तुम्हें लायबल कराएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का वेल है इसे लिफ्ट कर दिया और इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, और जो भी किया तुमने किया हम ऐसा मानेंगे और उसकी जिम्मेदारी भी तुम पर जाएगी। ऐसे तो ये क्या चल रहा है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो कुछ डिसाइडेड केसेस हैं। डिसाइडेड केसेस का मतलब होता है रियल लाइफ केसेस हैं कुछ, जिससे ये डिसाइड हुआ कि देखो जगह जगह पे कैसे कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हुआ है, और इसको हम ये भी बोलते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, कि कोर्ट ऑफ लॉ ने किस तरीके से इस पॉइंट को समझाया है जगह जगह पे डिफरेंट केसेस में, तो इसको हम बोलेंगे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जुडिशियल मतलब कोर्ट ऑफ लॉ ने किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करी है डिफरेंट केसेस के जरिए, ये केस, ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने क्लियर हुआ है, राइट? ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसको बेसिकली पहला हेडिंग जो आता है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। यहाँ पे रेवेन्यू का मतलब है गवर्नमेंट रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन अथॉरिटीज है, उनको जो गवर्नमेंट को जो पब्लिक से पैसा मिलता है टैक्स का, उसी को हम रेवेन्यू बोल रहे हैं। पब्लिक रेवेन्यू मीन्स टैक्स इनकम, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जितनी भी टैक्सेशन से इनकम हो रही है उसको हम रेवेन्यू वर्ड बोल रहे हैं, ठीक है? तो प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू कॉन्सेप्ट ये कहना चाहता है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू अथॉरिटीज को अगर ये लगे कि कोई पब्लिक रेवेन्यू ना देने की कोशिश कर रहा है या कम देने की कोशिश कर रहा है, तो इस पर्पज के लिए अगर जरूरत पड़ी तो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है। इसका मतलब है कंपनी और मेंबर्स को एक माना जा सकता है। अब ये सब बोलते रहने से नहीं आएगा आपको, जब मैं केस दूंगी तो आ जाएगा, ठीक है? तो इससे पहले कि हम इसकी और चर्चा करें, इस थियरी पे बोलते रहे कोई फायदा नहीं है, लेट अस स्टार्ट विद द केस। और इसमें केस का नाम है सरदिनशा मानिक जी पेटेंट, केस है सरदिनशा मानिक जी पेटेंट। इनका केस है मानिक जी का, इसको मैं हमेशा ऐसे बोलूंगी मानिक जी के केस में ऐसे हुआ था। तो पूरा नाम इनका था सरदिनशा मानिक जी पेटेंट। अब मानिक जी की स्टोरी सुनिए। मानिक जी के पास ना बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स थी, इनके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है? पिक्चराइज करिए, आपको याद हो जाएगा सुनते सुनते। अब जब बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है तो उस पर बहुत सारा रिटर्न आता है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है ना? जब बहुत सारा रिटर्न आता है तो बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है, जब बहुत सारा टैक्स होता है तो बड़े सारे आंसू आते हैं, बर्डन पड़ता है, सर्विस टैक्स हो जाता है कि भैया इतना टैक्स भरना पड़ता है, इनकम हमारी ले जाती है गवर्नमेंट। तो मानिक जी को बहुत तकलीफ थी इस बात से कि मेरी इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स मैंने करी लेकिन रिटर्न्स पे अच्छा खासा हिस्सा तो गवर्नमेंट ही ले जाती है। तो बेसिकली टैक्स इवेजन करना चाह रहे थे। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी। अब जब भी टैक्स इवेजन करेंगे तो रेवेन्यू अथॉरिटीज का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा और वो अपने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकती है। अब थोड़ा सा बेटर समझ आया होगा, है ना, कि टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी। ओके, दिस इज चोरी। अब मानिक जी को टैक्स से बचना था तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना चार कंपनीज बनाई,
मानिक जी ने क्या किया, चार कंपनीज बनाई, ही फॉर्म्ड फोर कंपनीज, ठीक है। अब इन कंपनीज से मानिक जी ने शेयर्स ले लिए, चारों की चारों कंपनी से मानिक जी ने शेयर्स ले लिए। तो मालिक जी ने क्या किया, शेयर्स ले लिए। अब जब भी आप किसी कंपनी में शेयर्स लोगे आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो मालिक जी ने कहा पैसे तो नहीं है मेरे पास, तो उन्होंने क्या किया, शेयर्स के बदले में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज को दे दी। इसका मतलब अब वो इन्वेस्टमेंट्स किसकी हो गई, कंपनीज की। ये इन्वेस्टमेंट जो है आप किसकी होगी, सारी की सारी जो मालिक जी की थी वो कंपनीज की हो गई। रिपीट करती हूँ, कोई अटक गया हो यहाँ पे, कि मानिक जी के पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स पे टैक्स से बचने के लिए, जो रिटर्न्स पे टैक्स था उससे बचने के लिए मानिक जी ने चार कंपनीज बनाई, ठीक है। फिर उन्होंने इस कंपनीज में शेयर्स लिए, मेंबर बने, पैसे नहीं थे या शो किया पैसे नहीं देना चाहता तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज को दे दी। इस तरीके से ये जो इन्वेस्टमेंट थी वो किसकी हो गई, कंपनी की हो गई। अगर इन्वेस्टमेंट्स कंपनी की है तो जो इसके ऊपर रिटर्न है वो भी किसकी हो गई, कंपनी की हो गई। तो उसके ऊपर टैक्स भी कौन देगा, कंपनी देगी। अब बहुत पुराना केस है, उस वक्त के कानून के मुताबिक, उस टाइम के लॉ के मुताबिक टैक्स कम पड़ रहा होगा, जब वो चार कंपनीज में बट गई इनकम, इंटरेस्ट की और डिविडेंड की, तो उस पर टैक्स कम हो रहा होगा, तभी तो मालिक जी ने ऐसा किया होगा ना। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि आप आज के सिनेरियो के हिसाब से ना सोचें, आज के टाइम के हिसाब से ना सोचें कि टैक्स कैसे कम हो गया। उस वक्त का टैक्स लॉ थोड़ा ना बताया उसमें केस ने हमारे को, केस में बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, बहुत थोड़ा थोड़ा बताया होता है, उसके बेसिस पर ही हमें समझना होता है सब कुछ। तो हो रही होगा टैक्स कम, ऐसे सोचना है बस, क्योंकि अगर आप इसी पॉइंट पे अटक जाओगे ना तो पता चला आप मेन मुद्दे से ही भटक गए और फालतू की बातों में ध्यान लग गया, तो मेन पॉइंट तो समझ ही नहीं आया। तो मेन पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करिए। रियल केसेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, किताबों में दो चार दस लाइनें मिल जाएंगी, दैट्स ऑल, और उसी के बेसिस पे लॉ समझ लेंगे, कोई चीज पिक करनी है। तो इसलिए मेन पॉइंट पे रहेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। जरा ध्यान रखिएगा कि मालिक जी ने अपनी इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न का टैक्स पड़ रहा था उससे बचने के लिए कंपनीज बना के अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज को दे दी, और इस तरीके से शो किया कि जो रिटर्न है इनकम वो भी कंपनीज की है, मेरी थोड़ी ना। फिर टैक्स पे किसको भरना पड़ेगा, कंपनीज को, तो टैक्स कुछ कम हो रहा होगा उस तरीके से। अब रेवेन्यू अथॉरिटीज ने केस कर दिया मालिक जी के ऊपर, बोले मालिक जी आज भी ये टैक्स आप ही भरेंगे। मालिक जी ने बचने के लिए सबसे बड़ा स्टेटमेंट दिया, अरे सर सेपरेट लीगल एंटिटी, मैं हूं, कंपनीज कंपनीज हैं, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज की हैं, मेरी थोड़ी ना है सर। तो रेवेन्यू अथॉरिटीज ने कहा मानिक जी किसको बेवकूफ बना रहे हो, ये कंपनीज तो मियर शैम है। ये वर्ड मैंने आपको पहले भी सिखाया था, मियर मींस ओनली और शैम मींस दिखावा, प्रिटेंस। यहां पे एक लाइन आती है जो पीछे पड़ोगे कहीं भी मिल जाएगी, दैट मालिक जी इज क्लोक्ड, ही इज क्लोक्ड बिहाइंड द लीगल फसाद ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। ये लाइन सीखनी है आपने, कहीं मिल जाएगी इस केस में, नहीं इससे पहले मिल जाएगी। क्लोट का मतलब होता है हिडन, और लीगल फसाड का मतलब है जो फ्रंट है, फसाड मैंने आपको बताया ना फ्रंट। तो वो कहते हैं ये जो सामने कंपनी की नाम दिख रहा है उसके पीछे छुप कर, मानिक जी हमें पता है ये सारे काम तुम ही कर रहे हो, ये तुम्हारी सोच है। मानिक जी बोले सर कैसी बात कर रहे हैं, मैं अलग हूं कंपनी अलग है। तो बोले ना ये सब काम के पीछे आप ही छुपे हुए हो, ये सब आपका ही किया हुआ है। चलिए चलिए हमने कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर दिया,
अगर उन्होंने बोला चलिए चलिए हमने कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर दिया, इसका मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि मानिक जी और कंपनी वो एक ही हैं, ये दो अलग अलग पर्सनैलिटी नहीं है, हम आप दोनों को एक ही मानेंगे। इस तरीके से आज भी ये इन्वेस्टमेंट्स आप ही की हैं, इस पे जो इनकम है वो आप ही की है, इसलिए उस पे जो टैक्स है वो भी आप ही का है। उसके एक बहुत बड़ा जो रीजन उन्होंने दिया, बोले मानिक जी ये कंपनी करती क्या है, व्हाट इट डस, तो आंसर आया कुछ भी नहीं करती। इसका मतलब ये सिर्फ दिखावा है, आप बेवकूफ बना रहे हो, नाम के लिए कंपनीज बना दी आपने। मानिक जी ने एक और इसमें पॉइंट बनाया था चलाकी, जिसको सोचा उन्होंने मैं करूंगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं उससे भी। जी जो रिटर्न्स आ रही थी कंपनी को, इससे कैश आ रहा था, इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड इनकम से कैश आएगा, तो मानिक जी ने दिखा दिया कि ये मानिक जी को कंपनी लोन दे देती है, लोन टू मानिक जी। उसमें मालिक जी बेचारे कंपनी को इंटरेस्ट देते हैं, वो स्टोरी में नहीं है इतना। तो असली बात यही है छोटी सी, कि जो मालिक जी के पास कंपनीज हैं, उन कंपनीज के पास मालिक जी की इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, उन इन्वेस्टमेंट्स पे जो रिटर्न से कैश आ रहा है वो कैश मालिक जी को वो लोन के तौर पे दे देती है। ताकि मालिक जी ने ऐसे सोचा होगा ना, जब कोई पूछेगा कंपनी कैश का क्या करती है तो बता दूंगा। तो ये लोन भी उन्होंने प्रिटेंड किया, शो किया कि वो लोन दे देती है। सारी कहानी तो आप समझ गए होंगे ना, कि कंपनी सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई है, कंपनी कुछ नहीं करती है। विषय आता है मानिक जी कब बच जाते हैं, जब वो किसी और कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट्स दे देते हैं, किसी और की कंपनीज, या फिर कंपनीज कुछ करती होती तब फिर थोड़े चांसेस थे मानिक जी के बचने के। लेकिन अभी तो सिर्फ दिखावे के लिए कंपनीज बनाई है, तो रेवेन्यू अथॉरिटीज ने कहा मानिक जी बेवकूफ नहीं बना सकते आप, हम आपको और कंपनी को एक ही मानेंगे, इसलिए आज भी सारा टैक्स मानिक जी आपका ही माना जाएगा, कृपया भर दीजिएगा, क्योंकि इनकम आपकी टैक्स आपका। तो मानिक जी अपनी इंटेंशन पूरी नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, कि जो कंपनी का लीगल फसाड है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं मानी गई, उसको हटा के उसके पीछे छुपे हुए मानिक जी को सामने लाया गया और बोला गया सारी कारिस्तानी, सब जो भी काम किया है वो आपका है, और इसलिए जो भी टैक्स है वो आपको ही भरना पड़ेगा। अब इसकी जो प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू की थ्योरी है, आपको समझ आ गई होगी कि अपने रेवेन्यू को बचाने के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज कोई टैक्स इवेजन कर रहा है, तो टैक्स की चोरी कर रहा है, उस टैक्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट चाहे तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करके मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकती है, राइट? तो कॉन्सेप्ट छोटा सा ये कि कंपनी और मेंबर एक ही होते हैं, दो नहीं है, इन एक्सेप्शनल केसेस में जहां पे हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देते हैं, राइट? आप इसमें एक भी वर्ड पढ़ोगे ना तो आपको तंग नहीं करेगा बिल्कुल भी, हाँ एक भी वर्ड तंग नहीं करेगा। हाँ एक वर्ड है, आई डोंट नो आपको आता कि नहीं आता, सिखा देती हूँ, एक वर्ड आता है आगे, वो लाइन भी लिख देती हूँ। बोलता है इट डिड नो बिजनेस, कंपनी कोई काम नहीं करती थी, बट वॉज क्रिएटेड सिंपली एज अ लीगल एंटिटी, उसको सिर्फ एक लीगल एंटिटी के लिए बनाया गया, टू ऑस्टेंसिबली रिसीव द डिविडेंड, यहाँ पे एक वर्ड आता है टू ऑस्टेंसिबली रिसीव द डिविडेंड। तो ऑस्टेंसिबली का मतलब है दिखाने के लिए, कि आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, दिखावा है बाहरी, तो बाहरी तौर से आप ये दिखाना चाहते हैं कि कंपनीज की जो है वो डिविडेंड है, उनका टैक्स है। तो वही वो बोल रहा है, मैं ये लाइन सिखा देती हूँ, कहता है कंपनीज के लिए बोल रहा है, कहता है इट डिड नो बिजनेस बट वॉज क्रिएटेड, ये लास्ट पैराग्राफ है, बट वॉज क्रिएटेड सिंपली एज अ लीगल एंटिटी टू ऑस्टेंसिबली रिसीव द डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट एंड टू हैंड देम ओवर टू द एसेसी एज प्रिटेंडेड लोन्स। एसेसी हो गए मानिक जी, और प्रिटेंडेड लोन हो गया कि वो दिखावे का लोन है, क्योंकि एक्चुअली तो वो सब मानिक जी का ही था, आपको समझ आ गया होगा, है ना? तो अभी ये समझ आ जाएगा, कोई भी वर्ड दिक्कत नहीं देगा, और ध्यान रखिएगा असेसी होता है जिसके टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो मानिक जी को रेफर करता है, ओके? ऐसी एक और केस है, और उसके केस उस पॉइंट की हेडिंग है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, प्रिवेंशन ऑफ
फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। कि इस मकसद से भी हम कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर सकते हैं, कंपनी और मेंबर्स को एक मान सकते हैं, अगर कहीं कोई फ्रॉड हो रहा है उसको बचाना चाहते हैं या कोई इम्प्रॉपर कंडक्ट है उसको बचाना चाहते हैं। ठीक है, बात फिर वही आती है, थियरी को बोलने से नहीं आएगा। यहाँ पे तीन केसेस है रेफरेंस के लिए, जिसमें पहला केस जो है वो है गिलफोर्ड कंपनी, हाँ दैट इज गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न हॉर्न, दिस इज गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। अब जरा इस केस को समझिएगा, ठीक है, बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग सा केसेस सारे इंटरेस्टिंग होते हैं, नाम आपने सारे याद रखने हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे याद करेंगे, मालिक जी के पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स थी, उन्होंने चार कंपनीज बनाई, इससे याद आ जाएगी स्टोरी। अब गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेज हॉर्न में क्या हुआ, गिलफोर्ड मोटर कंपनी जो है वो हॉर्न को अपना एमडी बनाना चाहती थी, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, लेकिन कंपनी ने क्लॉज रखा अपने एग्रीमेंट में, जब इसको अपना एमडी बनाया तो एक क्लॉज रखा कि हॉर्न जब आपकी जॉब खत्म हो जाएगी, जब जॉब ओवर हो जाएगी, है ना, आप रिटायर कर जाओगे, तब आप हमारे कस्टमर्स को अपनी जो भी कोई काम करके उसको खींचने की कोशिश नहीं करोगे, यू विल नॉट अट्रैक्ट अवर कस्टमर्स। जो कंपनी के कस्टमर्स हैं, पता चला आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और हमारे सारे कस्टमर्स को वहां ले गए, उस बिजनेस से सारे कस्टमर्स के खींच लिया और हम बेकार हो गए, हमारे सारे कस्टमर्स खत्म हो गए, ऐसा नहीं करेंगे आप। आई रिपीट कि गिलफोर्ड मोटर कंपनी हॉर्न को एमडी बनाना चाहती थी, तो उन्होंने बोला कि हॉर्न जब आपकी जॉब ओवर हो जाएगी तब हमारे कस्टमर्स को खींचने की कोशिश नहीं करोगे, तो इसको हम बोलते हैं ही विल नॉट सॉलिसिट अवे द कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, ही विल नॉट और ही शुड नॉट, जो भी बोल दो, ही विल नॉट सॉलिसिट अवे द कस्टमर्स ऑफ द कंपनी। जब हम बोलते हैं सॉलिसिट अवे, तो सॉलिसिट अवे का मतलब होता है टू डिट्रैक्ट, डिट्रैक्ट मतलब भगा देना, क्या आप हमारे कस्टमर को भगाने की कोशिश नहीं करोगे। सॉलिसिट द कस्टमर्स मींस अट्रैक्ट, सॉलिसिट अवे मींस डिट्रैक्ट, भगाना। तो कंपनी ने यही बोला दैट ही विल नॉट सॉलिसिट अवे द कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब हॉर्न को तो यही करना था, कंपनी के कस्टमर्स को भगाना था, तो उसके लिए हॉर्न ने क्या किया, जॉब वॉब खत्म हो गई होगी जब, तो उसने एक कंपनी बनाई, आगे की स्टोरी आप भी समझ गए होंगे, उसने एक कंपनी बनाई और इस कंपनी ने हॉर्न की जो गिलफोर्ड मोटर कंपनी थी उसके कस्टमर्स को डिट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, इस कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया जो कंपनी के कस्टमर्स थे। अब जब कंपनी का बिजनेस लूज होने लगा तो उन्हें समझ आया कि हॉर्न ये सब कुछ कर रहा है, तो फिर ये केस बना गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, मतलब फिर कोर्ट केस हो गया, बोले कि जी ये हॉर्न सब कुछ कर रहा है। अब हॉर्न ने क्या बोला, अरे सर मैं थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं और ये कंपनी सेपरेट सर, मैं क्या कर रहा हूं सर, कंपनी कंपनी है, मैं ये तो कंपनी अट्रैक्ट कर रही है, आप मुझे क्यों बोल रहे हो। तो फिर जज साहब ने कहा बेटा ऐसा है, कुछ बातें जान लेते हैं कि ये कंपनी बनाई किसने, ठीक है, इस कंपनी की बात जो हम कर रहे हैं इसको बनाया किसने, तो आंसर आता हॉर्न ने, ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुन, तू ऐसे कोर्ट ने बोला, अच्छा कब बनाया, तो तेरी जॉब के बाद, है ना, आफ्टर योर जॉब वॉज ओवर, ठीक है, करती क्या है ये कंपनी का काम क्या है जो तेरे को करने को मना किया था। हॉर्न वॉज आस्क्ड नॉट टू डू, तो तीन बातें हैं भैया, ऐसा सब कोर्ट ने बोला, ये सारी बातें किसने बोली, तो आंसर आता कोर्ट ने, कि ये कंपनी बनाई किसने, तो आंसर आया तुमने, विषय आया कब बनाई,
तेरी जॉब के बाद कार्तिकेय, जो तेरे को मना किया था। किसको किसको बेवकूफ बना रहा है बेटा? इसका मतलब जज साहब ने क्या कहा कि हॉर्न और कंपनी जो उसने बनाई वो दोनों एक है। देखो दो वर्ड आते हैं यहाँ पे, मैंने पहले कभी लॉ पढ़ाते हुए सिखाया आपको, बिजनेस लॉ पढ़ाते हुए, जिसने नहीं सीखे वो सुन रहा है। एक वर्ड आता है प्लेंटिफ, जिसको हम बोलते हैं एग्रीड, दैट मीन्स पार्टी एट लॉस। तो इस केस में पार्टी एट लॉस कौन है? जिसने केस किया, मतलब गिलफोर्ड। तो फिर हॉर्न कौन है? वो है डिफेंडेंट, डिफेंड कर रहा है अपने आप को, बचाओ पक्ष, तो वो हॉर्न है। तो जब वो कंपनी जीत गई, गिलफोर्ड कंपनी जीत गई, प्रूव हो गया कि हॉर्न और कंपनी एक है और सब कुछ हॉर्न का ही किया हुआ है, तो फिर जज साहब ने ऑर्डर क्या निकाला? खबरदार, हॉर्न और उसकी कंपनी दोनों के ऊपर रोक लगाई जाती है कि उन दोनों में से कोई भी कंपनी के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। तो दे विल नॉट सॉलिसिट अवे द कस्टमर्स, और अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फिर ठीक ना होगा। ऐसे करके कोर्ट ने जो भी ठीक लगा होगा ऑर्डर कर दिया। एटलास्ट हमारा मकसद सॉल्व हुआ। क्या हमें यह समझ आया कि हॉर्न और कंपनी को एक माना गया? तो आंसर इज यस। हॉर्न ने सोचा कंपनी के नाम से होगा तो मैं बच जाऊंगा, एक लाइन बोल दूंगा सेपरेट लीगल एंटिटी। उसे ये नहीं पता था सामने बेवकूफ लोग नहीं बैठे हैं जिनको वो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई नहीं बन पाएगा, और उस तरीके से वो हार गया। तो देखती हूँ कुछ वर्ड्स जो आपको तंग ना करें। सॉलिसिटर वे बता दिया मैंने आपको, प्लेंटिफ बता दिया जो इसमें वर्ड आएगा। फिर एक लाइन है पढ़ देती हूँ, बोलते द कंपनी इट वाज हेल्ड का मतलब है डिसाइडेड, कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, डिसीजन वाला पैराग्राफ है। कहता है इट वाज हेल्ड द कंपनी वाज अ मियर क्लोक, दिखावा ऐसा है, दिखावा। क्लोक एक वर्ड आता है, क्लोक, आई डोंट नो आपको आता है कि नहीं आता। क्लोक होते हैं वो जो गाउन जैसी ड्रेस नहीं होती है, चोगा जैसे बोलते हैं, आई डोंट नो आपको चोगा पता है कि नहीं पता। गाउन जैसी ड्रेस जो प्रीस्ट लोग भी पहनते हैं, खुला खुला ड्रेस होता है, उसको क्लोक बोलते हैं। और उसके अंदर कुछ भी छुपा दो, कुछ पता नहीं चलता बाहर से, क्योंकि खुला ड्रेस है ना। इसलिए इसलिए लॉ में क्लोक का मतलब होता है हिडन। जब हम लॉ में यूज करते हैं क्लोक का मतलब, तो उसका मतलब निकालना है आपने हिडन, छुपा हुआ। तो वो क्या बोलता है? बोलता है द कंपनी वॉज अ मियर क्लोक, कि सर ये तो सब इसके काम छुपाने के लिए इसने कंपनी को सामने कर दिया है, असल में तो सब छुप के यही काम कर रहे हैं। और अ शैम, शैम मैंने बताया था आपको, दिखावा, कि सर ये तो सिर्फ कंपनी को दिखाने के लिए है। कहता है द कंपनी वॉज अ मियर क्लोक और शैम फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग द डिफेंडेंट, ये सब इसलिए है ताकि ये ऐसा कर सके, जो हॉर्न एंड डिफेंडेंट, ये ऐसा कर सके टू कमिट अ ब्रीच। लिखती हूँ ये लाइन, कहता है इनेबलिंग, इनेबलिंग मीन्स हेल्पिंग द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट मीन्स हॉर्न, कमिट अ ब्रीच ताकि अपना वो जो अग्रीमेंट हुआ उसको तोड़ सके, ब्रीच कर सके उसका। कमिट अ ब्रीच ऑफ ऑफ कवेनेंट अगेंस्ट सॉलिसिटेशन। क्योंकि ये अंग्रेजी भी सीखनी है, एग्जाम में आगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसको ठीक से समझिए। कवेनेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कुछ भी मीनिंग निकाले आप, आपके हिसाब से सूट कर जाएगा। तो कविनेंट मीन्स एग्रीमेंट और टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। तो कविनेंट अगेंस्ट सॉलिसिटेशन, सॉलिसिटेशन मीन्स अट्रैक्ट। तो उसका जो एग्रीमेंट हुआ था कि वो कस्टमर्स को भगाने की कोशिश नहीं करेगा, वो उसी एग्रीमेंट का ब्रीच करना चाहता था, और उसके लिए उसने इस कंपनी को बनाया जो कि सिर्फ एक दिखावा है। तभी वो बोलता है कंपनी इज अ मियर क्लोक और शैम फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग द डिफेंडेंट, हेल्पिंग द डिफेंडेंट कमिट अ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट रिलेटेड टू दिस सॉलिसिटेशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वर्ड सीखिए ताकि एग्जामिनर यूज करे तो आपको समझ आए कि ये वो क्या बोल रहा है। आई रिपीट माई सेल्फ कि उसने ये जो कंपनी बनाई,
उसकी हेल्प उसने सिर्फ इसलिए ली ताकि इसकी मदद से, कंपनी के नाम की मदद से, वो एग्रीमेंट तोड़ सके जो एग्रीमेंट उसने सॉलिसिटेशन के खिलाफ किया था कंपनी के साथ, राइट? तो एग्रीमेंट और कवेनेंट अगेंस्ट सॉलिसिटेशन, ही वांटेड टू कमिट अ ब्रीच ऑफ दिस एग्रीमेंट और कवेनेंट, देयरफॉर ही फॉर्मड अ कंपनी, बट द कोर्ट सेड द कंपनी इज अ मियर शैम और क्लोक, राइट? आई होप आपको समझ आया होगा. वो बोलता है एविडेंस एज टू फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, ये जो मैंने तीन बातें लिखी थी ऊपर, ये पहला एविडेंस एज टू फॉर्मेशन की बनाई किसने, कब बनाई है ना, एंड एज टू द पोजीशन ऑफ इट्स शेयर होल्डर, किसने बनाई है, थॉर्न ने बनाई है ना, एंड डायरेक्टर्स लीड टू दैट इंफरेंस. अब एक वर्ड आया इंफरेंस, कहता है ये जो सारे सबूत हमें दिख रहे हैं ना, किसने बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई, ये सब हमें इसी नतीजे पे पहुंचा रहे हैं, इससे यही रिजल्ट निकल रहा है. तो इन्फरेंस का मतलब होता है कंक्लूजन, रिजल्ट, नतीजा, जो भी समझे आप. तो वो कहता है ये हम ये सब बातें, ये सारे जो सबूत मिल रहे हैं, ये हमें इसी सबूत, इन सबूतों से ये साफ जाहिर हो रहा है और हम इस नतीजे पर पहुंच पा रहे हैं कि ये सब ड्रामा था तेरा. कहता है एविडेंस एज टू फॉर्मेशन एंड एज टू द पोजीशन ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स लीड टू दैट इन्फरेंस, इन सब सबूतों से हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं, एंड दैट द डिफेंडेंट कंपनी ought to be restrained, dependent company ought to be restrained as well as Horning, as well as the dependent Horning. वो क्या बोल रहा है, कहते हैं द डिफेंडेंट कंपनी ऑट टू बी रिस्ट्रेन्ड एज वेल एज द डिफेंडेंट हॉर्न, कि जो डिफेंडेंट कंपनी है मतलब हॉर्न की कंपनी, इसको ऊपर रोक लगाया जाना चाहिए. रिस्ट्रेन मतलब रिस्ट्रिक्टेड, और हॉर्न के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जानी चाहिए, एज वेल एज मतलब हॉर्न के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जानी चाहिए. ऑट टू बी मतलब उनके ऊपर ऐसा किया जाना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन लगाया जाना चाहिए. इसका मतलब है कोर्ट ने यही बोला कि हॉर्न और उसकी कंपनी दोनों के ऊपर रिस्ट्रेंट लगाया जाता है, दोनों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि वो आगे से इस तरीके का सॉलिसिटेशन का काम ना करें, कंपनी के कस्टमर्स को भगाने की कोशिश ना करें. तो इसमें काफी सारे नए वर्ड्स थे, आई होप आपको समझ आ गए होंगे सारे, है ना. बाकी फिर अगला केस, इसी के ऊपर दो केसेज और हैं, अगले लेक्चर में लेते हैं, ठीक है, ओके बाय. We'll be right back.